बिना पास के महानगर में गुरुवार को खुल रही दुकानों की शिकायत पर सिटी मजिस्ट्रेट और सीओ कैंट ने महानगर के विभिन्न दुकानों का बेतिहाता चौराहा, बलदेव प्लाजा और भलूटिया मार्केट के दुकानों के पास चेक किया। इस संबंध में सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने बताया कि जिन दुकानों के ई पास जारी किया गया है उनको ही दुकान खोलने की अनुमति है, जिसके प्रशासन और पुलिस की ज्वाइंट टीम द्वारा लगातार चेकिंग भी की जा रही है। उसी क्रम में बेतिहाता, बलदेव प्लाजा, भलूटिया मार्केट और आसपास में जितनी भी दुकानें हैं उनका पास चेक किया गया और यह सुनिश्चित किया गया कि कोई अवैध दुकान ना खुलने पाए। चेकिंग के दौरान सभी दुकानों के पास पाए गए और यह भी देखा गया कि दुकानों पर सोशल डिस्टेंस का पालन हो रहा है या नहीं, मास्क का इस्तेमाल हो रहा है या नहीं, यह प्रक्रिया पूरे लॉकडाउन तक चलती रहेगी। दुकानों के खुलने का टाइम 11 बजे से निर्धारित है, उसी टाइम पर दुकानें खुलें। इसके अलावा अगर कहीं भी बिना पास के दुकानें खुलती पाई जाएंगी तो उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने कहा, मंगलम टावर सब लोग अपना पास बाहर लगाएंगे। इस तरह आर्मामेंट और गारमेंट बंद है, बर्तन बंद है, पूरा बेची सर। दो दिन उनको भी दे दिया जाए बीच में, दो दिन मोबाइल वालों को दे दिया जाए, दो दिन इलेक्ट्रिकल और बेस्ट में तरीका था सर की एक दिन खुले फिर दो दिन उसको बंद किया जाए ताकि वहाँ सैनिटाइजेशन भी हो जाए। इसी तरह से कैंट का क्षेत्र एक दिन खुले, सोमवार गाड़ियाँ डाले भैया, गाड़ियाँ पकड़ा है।
अपने वाहन को हटा ले, नहीं तो आपके वाहन को क्रेन देखिए। जिला प्रशासन द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं कि दुकानें कौन कौन सी दुकानें खुलेंगी और क्या समय है, तो 11 से 5 के समय के बीच में जिन दुकानों के ई पास जारी हुए हैं उन्हीं को दुकान खोलने की अनुमति है। तो इस संदर्भ में लगातार इसकी चेकिंग की जा रही है, पुलिस और प्रशासन की ज्वाइंट टीम इसकी चेकिंग कर रही है। तो आज उसी क्रम में मेरे और सीओ कैंट के द्वारा बेतिया हाता, बलदेव प्लाजा और ये भी जो आसपास के इलाके हैं जैसे जटेसर है उसके आसपास के इलाके जो है वहाँ पे चेकिंग की गई है और सभी दुकानों के एक एक दुकानों की विस्तृत की पासवर्क चेकिंग की गई और ये देखा गया कि कोई अवैध दुकान तो नहीं खुली है। तो सभी दुकानों के आज तो सबके पास पाए गए। इसके अलावा बैरियर्स पर भी चेकिंग की गई कि जो लोग निकल रहे हैं, जो भीड़ निकल रही है उनके पास पास है कि नहीं और वो किसी विशेष प्रयोजन से निकल रहे हैं कि नहीं, कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से ना निकले ये इंश्योर किया जा रहा है। अगर फिर भी कोई व्यक्ति अनावश्यक रूप से बाहर निकलता है तो उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी और इसके अलावा दुकानें भी जो बिना पास के खुली जाएंगी फिर आप तत्काल वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ये प्रक्रिया भी चलती रहेगी जब तक आगे लॉकडाउन का कोई इंस्ट्रक्शन नहीं जारी होता है, तब तक इस तरह चेकिंग चलती रहेगी और जिन दुकानों के पास जारी है उन्हीं की दुकान खुलनी है और जिन 7-8 लिस्ट जारी है कि 7-8 तरह की दुकान खुलेंगी वही दुकानें खुलनी हैं। तो यह चेकिंग इस तरह जारी रहेगी और दुकानों का टाइम जो 11 बजे है उसके उसी समय दुकानें खुलें, उसके पहले ना खुलें तो ये भी देखना है। और दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग पूरा नॉर्म्स का पालन किया जा रहा है कि नहीं, स्टाफ उनके कितने आ रहे हैं वहाँ, सैनिटाइज़र और मास्क का यूज़ कर रहे हैं कि नहीं, ये सब बिंदु भी हमारे ये सब हमारी जाँच के बिंदु रहेंगे। तो इन सब की भी हम जाँच कर रहे हैं और पूरी विस्तृत और सघन चेकिंग चलेगी और यह इंश्योर किया जाएगा कि जो डायरेक्शन जारी किए गए हैं उसका अनुपालन है।